Hello everyone, assalamu alaikum, I'm Sarhana Chaudhary. Friends, आज हम बात करने वाले हैं premature ejaculation के बारे में, जिसे कहते हैं शीघ्रपतन। यह बहुत ही कॉमन सेक्स प्रॉब्लम है। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, और वह जुड़ा हुआ हिस्सा है सेरोटोनिन का। क्या रोल है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन में? सेरोटोनिन नाम का जो केमिकल हमारे बॉडी के अंदर मौजूद है, इसका क्या रोल है? देखिए, पहले समझिए सेरोटोनिन क्या है। सेरोटोनिन हमारे बॉडी में बनने वाली एक केमिकल है। ये एक न्यूरो हार्मोन है। दो नर्व्स के बीच के अंदर इंफॉर्मेशन के लेन देन को, यानी कि इंफॉर्मेशन का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उस ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन का रोल प्रीमैच्योर इजैकुलेशन में क्या है, इससे पहले मैं और एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगी। फ्रेंड्स, सेरोटोनिन को एक और वर्ड में हैप्पी हार्मोन बोलते हैं। खुशी वाला हार्मोन, खुशी वाला केमिकल, आपका बॉडी के अंदर, आपका दिमाग के अंदर एक खुशी पैदा करने वाला केमिकल। ये सिर्फ प्रीमैच्योर इजैकुलेशन में लिंक नहीं रहता, बल्कि आपकी डिप्रेशन में, एंजाइटी में, आपकी भूख में, लेनदेन और ताल्लुक बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ स्टडीज में पाया गया है कि जो लोग प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का शिकार हैं, वो लोग जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं। उन लोगों में सेरोटोनिन का लेवल कम पाया जाता है। उन लोगों की ब्लड के अंदर सेरोटोनिन का जब चेक किया गया, तो पता लगा उनके नर्व के बीच में सेरोटोनिन का जो कंडक्शन है वो कम होता है। यह पाया गया है रिसर्च में, बट ये फैक्ट के रूप में सामने नहीं आया। लेकिन जब सेरोटोनिन का इफेक्ट करने वाली मेडिसिन इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो यूनानी हो या एलोपैथी, तो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन में फायदा नजर आता है। यानी कि जो मेडिसिन सेरोटोनिन लेवल को बूस्ट करता हो, इंक्रीज करता हो, इम्प्रूव करता हो, उन मेडिसिन के इस्तेमाल से प्रीमैच्योर इजैकुलेशन में फायदा पहुंचता है। ये देखा गया है कुछ स्टडीज में और कुछ रिसर्च में। इस मेडिसिन का इस्तेमाल ने एक मजबूत बात बना दिया है कि सेरोटोनिन लेवल का इम्पैक्ट आपके प्रीमैच्योर इजैकुलेशन में गहरा पड़ता है। इस तरह की मेडिसिन के इस्तेमाल से एक क्वालिफाइड डॉक्टर, एक क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट इन मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत हेल्प मिल सकती है। फ्रेंड्स, कुछ फूड्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हर्ब्स है, बूटियां है, जो सेरोटोनिन का लेवल नेचुरली इम्प्रूव करता है। ये भी मैं आपको बता देती हूँ, जिसे अपने घर में भी इस हार्मोन को बूस्ट करने में खुद की हेल्प कर सके। मैं 5 फूड आइटम्स आपको बताती हूँ, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए, एक बात याद रखिए, एक एमाइनो एसिड होता है जिसे हम बोलते हैं ट्रिप्टोफैन। तो ये ट्रिप्टोफैन जो है, जो आपको अभी फूड आइटम हम बताएंगे, उसे आपका जो ट्रिप्टोफैन है उससे कन्वर्ट होगा सेरोटोनिन में। ट्रिप्टोफैन आपकी बॉडी में नेचुरली जाएगी, तो आपको सेरोटोनिन लेवल इम्प्रूव होगा। ये डिफरेंट फूड्स में पाया जाता है, और वो मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1, सलमन। सलमन एक फिश है, इसमें आपको ट्रिप्टोफैन मिलेगा बहुत सारे, और ये खाने से आपको नेचुरली सेरोटोनिन मिल सकता है, क्योंकि ये जो ट्रिप्टोफैन है, आपको पहले भी बताया, ट्रिप्टोफैन कन्वर्ट होता है सेरोटोनिन में। नंबर 2, नट्स एंड सीड्स। कॉलीफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स, ये आप यूज कर सकते हैं। ये कुछ नट्स, जैसे इसके अंदर आलमंड्स है, और इस तरह के नट्स के अंदर ट्रिप्टोफैन मौजूद होता है। और एक इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देती हूँ, आपको जितना भी मैंने अभी बोला है कि ये आप खाइएगा तो आपको अच्छा रहेगा, आपका सेरोटोनिन लेवल इम्प्रूव होगा, बट आपके सेरोटोनिन लेवल को इतना ज्यादा इम्प्रूव करने मत जाइएगा, क्योंकि ये जो फूड आइटम्स है या फिर नट्स है, ये आप ज्यादा लेंगे तो आपको परेशानी दूसरा हो सकती है। इसलिए आप क्या करें, मॉडरेशन देखिए। आप डाइट कर रहे हैं तो आप उसे भी मॉडरेशन देखिए। आप ये सब ले रहे हैं तो इसको भी आप मॉडरेशन के साथ ही लीजिए, ज्यादा न ले, लिमिट में लीजिए। नंबर 3, चिकन है, इसका अंदर काफी ट्रिप्टोफैन मौजूद होता है। नंबर 4, इसी तरह एग्स भी खा सकते हैं। फ्रेंड्स, नंबर 5, पाइनएप्पल। ये बहुत ही शानदार सोर्स है। आई रियली होप कि आज की जो टॉपिक है वो आप समझ गए होंगे, और हम मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।